देहरादून में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में चोरी करने वाले लुटेरों की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने बताया कि बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की अपराधियों में धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हुई है। वहीं एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देकर बताया है कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात सुबोध गिरोह से जुड़े दो मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह गैंग लूट को अंजाम देने 1-2 महीने पहले ही रैकी करते थे और ऐसी जगह को चुनते थे जहाँ से लूट करके आसानी से भागा जा सके। जिस तरह की घटनाएं अभी अन्य प्रांतों में हुई हैं, खासकर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी में बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, उसको देखते हुए एक मॉडस ऑपरेंडी लगता है कि कहीं ना कहीं जेल से ही ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें व्हाट्सएप या वाइब कॉल के माध्यम चलता है। लेकिन चूंकि अभी कोई ऐसे पुख्ता सबूत हमारे पास डायरेक्टली नहीं है जिससे हम कोई चीज़ कनेक्ट कर पाए, लेकिन जब हम अभियुक्त गिरफ्तार होंगे तो नेचुरल सी बात है पूछताछ में या साक्ष्यों के आधार पर जरूर हम जेल की तह तक अंदर तक जा पाएंगे।